अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बना रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट कर ही रही हूँ तो शूट भी कर लूँ, अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अपलोड कर दूंगी, और अच्छी बनी तो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है रेसिपी। आज की रेसिपी का नाम है मटन फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार बनती है, मुझे बहुत ही मज़ा आया खाकर। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी हो। थोड़ी डिफरेंट है, हटके ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं क्विकली साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम मटन बोनलेस। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटी की है जिसे हम चना बोटी कहते हैं। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया कुकर के अंदर, और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, मटन डाल दीजिए, हल्का सा नमक डालकर मिक्स कर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और एक दो सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए। बाकी स्लो आंच करके 10-15 मिनट पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक मटन गल नहीं जाता। एक घंटा पहले मैंने बासमती चावलों को भिगा लिया था। 2 कप बासमती चावल है, तकरीबन 350 ग्राम, और यहाँ पर मैंने पानी उबालने रखा था। इसमें थोड़ा नमक डाला और तेल डाल दिया, अच्छा उबाल आ गया तो यहाँ चावल डाल दिए। नमक चावलों का हिसाब का डालें और हल्का सा एक्स्ट्रा डालें जैसे बिरयानी में हम डालते हैं। थोड़ा सा पकने दीजिए फास्ट आंच पर। जब पूरी तरीके से पक जाए, हमें कड़ी नहीं रखनी है, पूरी तरीके से पका लेना है। जब पक जाए तो इन्हें निकाल लीजिए नितार कर और इसे प्लेट के ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए। तो ये पक गए हमारे बासमती चावल। अब एक बाउल के अंदर 2 अंडा फोड़ कर डाल दीजिए, हल्का सा नमक डालें, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। अब कढ़ाई के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना असली घी डालें या तेल डालें और उसे थोड़ा गर्म हो जाने दें। जब गर्म हो जाए तो ये जो अंडा आपने फेंट के रखा है ये डालकर इसे एक स्क्रैम्बल एग टाइप बना लीजिए। मतलब थोड़ा सा इसे बार बार चलाते रहें तो ये थोड़े से पीसेस हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। जब पीसेस हो जाए और पक जाए अंडा तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए प्लेट में। चलिए, तकरीबन 15 मिनट से स्लो पर था, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और अच्छा प्रेशर निकल जाए तो इसे खोल लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से गल जाना चाहिए। हाँ, एकदम ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से गल गया। अभी जो पानी जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है ना, इसे फास्ट आंच कर अच्छे से सुखा लीजिए। जब अच्छा पानी सूख जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। सेम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन या 2 टेबल स्पून, मैंने 2 डाला है, 2 टेबल स्पून। अब इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। ये तीनों टाइप की वेजिटेबल्स हैं मैंने बारीक काट कर रखी है, ये मटन जो बॉइल करा हुआ था और ये है अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। इसे एक बार चला लीजिए लहसुन को, और यहाँ पर मैं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अच्छा, चूल्हा मीडियम कर दीजिएगा और हरी मिर्ची इस समय डालकर इसे बार बार चलाते हुए तकरीबन समझिए ना 1 मिनट तक लहसुन और हरी मिर्ची को फ्राई कीजिए। हल्का सा तेल कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाला है, ये ऑप्शनल है। लहसुन फ्राई हो जाए तो स्प्रिंग ऑनियंस की जो प्याज आती है ना ऊपर की, वो सारी बारीक काट कर डाल दें, मैं तो सारी डाल देती हूँ। अच्छा, आपके पास अगर ये वाली प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल सादी प्याज मीडियम साइज वाली लीजिए और उसे बारीक काट कर डाल दीजिएगा चुंदा कर। अच्छा, इसे भी प्याज को आप तकरीबन 1.5 मिनट तक पकने दीजिए बार बार चलाते हुए। जब 1.5 मिनट हो जाए तब बॉइल करी हुई जो मटन है पीसेस वो सारे डाल दीजिए। अच्छा, प्लेट के ऊपर जो भी लगा हुआ हो चिटका हो वो सारा डालिएगा, कोई भी चीज वेस्ट मत कीजिए, और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक फ्राई करें। सो दैट इसकी जो ऊपर की कवरिंग ना हल्की 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 क्रिस्पी होगी तो और मजा आएगा आपको, और लहसुन भी इसके अंदर जाएगा, मजेदार लगेगा, हरी मिर्ची का फ्लेवर आएगा हमारे मटन के अंदर। तो चलिए, 3 मिनट हो चुकी है, मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए निकालनी है। आपने नहीं निकालनी तो कोई बात नहीं। चलिए, मटन को फ्राई कर लिया तो अब सब्जी डालने का टाइम आ गया है। ये है, मैंने 1 कप कैबेज लिया था बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा मेरे पास गाजर था उसे बारीक काट कर डाला है, और छोटी शिमला मिर्च थी। तो आप चाहें तो बड़ी हो तो आधी डालिएगा बारीक काट कर। मैंने 3 सब्जियां डाली, आप चाहें तो आप सब्जियां अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। मिक्स कीजिए और 1/2 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर, बार बार चलाते रहिएगा। मुझे सब्जियां कच्ची पक्की अच्छी लगती है, इसके लिए मैं 1/2 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। आपको पूरी तरीके से गली हुई चाहिए तो आप 1-2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए। चलिए, मैं चूल्हा स्लो आंच कर देती हूँ क्योंकि 1/2 मिनट हो गया, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 चाय का चम्मच विनेगर, 1/4 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1/4 चाय का चम्मच रेड चिली सॉस। उसे डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फिर से मैंने मीडियम आंच कर दिया, और अब जो साइड पर हमने रखे हैं चावल, बहुत अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो चावल डाल दीजिए बॉइल करे हुए। वैसे मैंने 1/2 चावल डाले हैं, अब यहाँ पर ये भी डाल दीजिए,
फ्राई करा हुआ स्क्रैम्बल एग, और चूल्हा मीडियम पर है, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक साथ जब चावल डालते हैं ना तो टूटने का डर रहता है, हम बैचेस में डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया, अब बचे हुए बाकी के चावल सारे मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा चाय का चम्मच फिर से सोया सॉस डाल रही हूँ, एक छोटा चाय का चम्मच विनेगर, और एक छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस डाल देती हूँ। आपको नमक चाहिए तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, और मैंने यहाँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच ये डाला है काली मिर्चों का पाउडर। अब बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। अब टॉस 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 ही करना है, हल्के हाथ से कीजिएगा, बस कि अपने हमारे जो चावल हैं वो टूटे ना, क्योंकि एज इट इज पूरी तरीके से पके हुए, और चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा। इन बिटवीन बारीक कटी हुई हरी प्याज की पत्तियां डाल दीजिए, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। मुझे परफेक्ट लग रहा है, नमक भी एकदम परफेक्ट है, थोड़ी सी फिर से मैंने स्प्रिंग ऑनियंस डाली है, टेस्ट किया परफेक्ट लगा। आपको कोई भी चीज़ कम लगी हो, खटास या तिखास, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स शेयर करनी थी। यहाँ जो सॉसेस मैंने डाले वो मैंने हिसाब से डाले हैं, आप आपके हिसाब से जो भी चार डालना चाहें, कम या ज़्यादा करना चाहें, वो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि जब घर में बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चावलों में जब आप चावल बॉईल करते हैं और बिरयानी में कैसे हम थोड़ा नमक ज़्यादा रखते हैं, उसी तरीके से नमक ज़्यादा रखिएगा। चावल अगर फ़र्ज़ करो इस समय आपके पूरी तरीके से बॉयल नहीं हुए हैं और कच्चे लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसे दम पर ढाक कर रहने दो स्लो आँच पर 1-2 मिनट के लिए, सो दैट, और थोड़ा सा चाहिए तो पानी का छींटा मार दीजिएगा, तो उस हिसाब से अच्छे से पक जाएंगे आपके फ्राइड राइस। तो ये हो गया हमारा टेस्टी डिलिशियस मटन फ्राइड राइस, रेडी सर्व कर रही हूँ मैं इसे। अच्छा, कुछ मैंने इंडो चाइनीज की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। है ना मजेदार रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए ये वाली रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर इंस्टा पे मुझे टैग कर दीजिए, मेरा इंस्टा आईडी जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।